क्यों रुकेंगे, आपको बता दें ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है, पानीपत से जहां पर पूर्व पार्षद हरीश शर्मा सुसाइड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई है, गुस्साए लोगों ने हंगामा किया, सड़कों पर उतर आए, लंबा जाम लग गया, लोगों ने नारेबाजी यहां पर की है, पुलिस ने लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा जब स्थिति को बिगड़ता देखा गया। तो प्रवीण भारद्वाज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण, इस पूरे मामले में लोगों का गुस्सा भी यहाँ पर उमड़ पड़ा है, सड़कों पर जो गुस्साए लोग हैं वो आ गए हैं, उनका कहना है कि पूर्व पार्षद हरीश शर्मा ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। जी देखिए, अगले बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस प्रकार से पहले ही लोगों में नाराजगी थी, 72 घंटे बाद तो शव की बरामदगी हुई है, और शव बरामद होने के बाद जो उनके समर्थक थे, उनके चाहने वाले थे, वो सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि वो एक दबंग किस्म के नेता थे, वह इस प्रकार का कदम नहीं उठा सकते, कहीं ना कहीं उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको ऊपर दबाव था, इसको लेकर ही ये हंगामा हुआ और लोगों ने जो नेशनल हाईवे है उसे पूर्णतः से जाम कर दिया था। प्रवीण, फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है, क्या अभी शांतिपूर्वक स्थिति वहां पर बनी हुई है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है क्या, और इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ क्या कोई सुराग लग पाए हैं? जी, अभी तक सुराग तो इस मामले में कुछ नहीं लग पाए हैं, लेकिन जो है अभी तक शव का पोस्टमार्टम करवाकर पानीपत शव लाया गया है, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार से पहले पुलिस किसी प्रकार का कोई चूक नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए पानीपत में तहसील कैंप के क्षेत्र के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या दोबारा से जागृत न हो, इसको लेकर पूर्णतः से तैयारी कर ली गई है। वही पानीपत के जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने भी जनता से अपील की है कि वह शांति बनाकर रखे, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, किसी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण भारद्वाज इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे कॉल।